नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाइपिंग के साथ में हमने तैयार करनी है। तो ये पाइपिंग है और सेम कलर के हमने यहाँ पे पोटली बटन बनाए हैं। घेरे पे वर्क है लेकिन ऊपर की साइड जो नेकलाइन वाली जगह होती है ये प्लेन है। तो वर्क के साथ हमने मैचिंग करते हुए यहाँ पे पाइपिंग और पोटली बटन तैयार किए हुए हैं। नेकलाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पीस लेना है डिजाइनिंग करने के लिए। देखिए इसका जो साइज होगा लेंथ में देखेंगे तो हमारा 15 इंच का होगा, 15 इंच का, और यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 9 इंच का होगा। तो इसमें हमें पेपर पेस्टिंग हमने पेस्ट की हुई है और बॉटम वाला फैब्रिक लिया हुआ है प्लेन। इसके ऊपर हमने काम करना है एंकर के धागे का। तो हम क्रॉस क्रॉस करते हुए यहाँ पे एक एक करके एंकर के धागे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस में निशान लगा लेते हैं एक, और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एंकर के धागे की। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा एंकर का धागा आएगा। अब हम यहाँ पे हल्का सा गैप रखेंगे और दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दो सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब बारी बारी से हम पूरे पीस में इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से एंकर के धागे का काम कर लिया है। अब हमारा जो साइज है हमने यहाँ पे रखा है नीचे से 1.25 इंच और ऊपर से हमने रखा है यहाँ पे 9.5 इंच, बस हल्का सा फर्क रखा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से डबल करेंगे और ऐसे यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल देनी है। गोलाई डालने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे नेक लाइन की ब्रॉड लेंथ का निशान लगाना है। नेक लाइन की ब्रॉड लेंथ रखेंगे हम 3 इंच तक और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच तक। इसके बाद हम यहाँ पे पहले इस तरीके की एक राउंड शेप देंगे और यहाँ पे हल्का सा हम वी रखेंगे, ये वाला वी रखेंगे। इन्हीं निशानों पे हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो नेक लाइन कुछ हमारी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने बाहर की साइड यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, नेक लाइन हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे और अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पाइपिंग भी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे प्रेस से इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगा ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने प्रेस से नेक लाइन को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है और आप देखोगे यहाँ पे पूरी फिनिशिंग आ जाती है इस तरीके से जब हम काम करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो नेक लाइन है हमने कटिंग कर ली थी, तो इसका सेंटर पॉइंट जो होगा यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ऐसे पेन से लगा लेंगे। हल्का सा हमने यहाँ पे गैप रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे पोटली बटन डालने हैं, तो आप हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से गैप रखेंगे। नीचे से भी हम इस तरीके से यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे गैप के द्वारा लगाएंगे, मतलब यहाँ से हमें सिलाई की शुरुआत करनी है, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना है। और ऊपर नेक लाइन में हमारा यहाँ पे एक एक पैर का मार्जिन रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमें नेक लाइन यहाँ पे इस तरीके से रख के इसको
यहाँ पे सिलाई लगानी है, और यहाँ पे हमने जो अंदर का पीस कटिंग किया था वो हमने रख के यहाँ पे सिलाई से अटैच कर लिया है, ताकि हमारी ब्रॉड लेंथ कम ज़्यादा ना हो और इक्वल हमारी नेक लाइन बने। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे अब सिलाई लगाएंगे। मार्जिन जैसे मैंने बताया था कम रखना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे ये सिलाई लगानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हल्की हल्की प्रेस की है और पूरा पैच जो है हमारा इस तरीके से सेट हो जाता है पाइपिंग के साथ। और यहाँ पे जो हमने बीच में गैप रखा है, इसमें हमें लगाने हैं पोटली बटन। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड यहाँ पे लगा लेते हैं सिलाई और इसको पक्का कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाहर की साइड भी हमने पाइपिंग वाली ये पक्की कर ली है। अब यहाँ पे पूरी फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पट्टी लेनी है, इसको ऊपर से हम तैयार कर लेते हैं। नीचे की साइड इसमें मैंने कन्नी रखी हुई है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और एक साइड में पहले अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड में हमें यहाँ पे पोटली बटन दबाने हैं, तो सबसे पहले हम एक साइड में यहाँ पे सिलाई से इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक साइड में तो हमने यहाँ पे पट्टी लगा ली है, अब दूसरी साइड में हम यहाँ पे पोटली बटन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से पोटली बटन को रखना है ऐसे, और सिंगल फुट की मदद से यहाँ पे इनको अटैच करना है ऐसे। गैप आप कम ज़्यादा रख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, और यहाँ पे आपके इस तरीके से पोटली बटन लगते चले जाएंगे पूरी फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में हमने पोटली बटन भी अटैच कर लिए हैं, और पाइपिन और एंकर के साथ में हमने यहाँ पे नेक लाइन आपको बना करके दिखाई है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी नेक लाइन है ये, जो बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको बताया है। इसमें हमने बुकरम वगैरह भी नहीं लगाई है, सिर्फ पेपर पेस्टिंग के द्वारा ही हमने यहाँ पे ये डिजाइन बना करके दिखाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।